वेलकम बैक दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्रोनिक माइलोजिनस लुकीमिया के बारे में। तो क्रोनिक माइलोजिनस लुकीमिया के बारे में पढ़ने से पहले एक बात याद रखने की जरूरत है कि ये किसका एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल है माइलो प्रोलीफरेटिव डिसऑर्डर का, ठीक है, ये बात याद रखना है। और एक बात और याद रखने की क्या जरूरत है कि ये अराइज कहाँ से होते हैं। ये अराइज होता है प्लूरी पोटेंट स्टेम सेल से। बहुत ही अच्छी बात है और बहुत बहुत लोग इसकी मिस्टेक करते हैं कि अराइज कहाँ से होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि माइलोड स्टेम सेल से अराइज होता है, गलती में बोल देते हैं, लेकिन आप याद रखना कि अराइज कहाँ से होता है, प्लूरी पोटेंट स्टेम सेल से, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम इसके रिस्क फैक्टर जो हमने अब तक पता किए हैं। तो इसका मोस्टली रिस्क फैक्टर क्या होता है, रेडिएशन होता है। और केमिकल में इसका रिस्क फैक्टर क्या होता है, बेंजीन होता है। और इसमें CML में एक स्पेशल टाइप का ट्रांसलोकेशन इससे एसोसिएटेड होता है, वो कौन सा होता है, 922। तो जो क्रोमोजोम्स नंबर 9 होता है उस पर एक जीन होता है, ABL जीन। ABL जीन में क्या होता है, ABL जीन में टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है। और एक जो क्रोमोजोम्स नंबर 22 होता है उस पर जीन होता है BCR जीन। BCR की फुल फॉर्म क्या है, ब्रेक पॉइंट क्लस्टर जीन। तो जब इसमें जो ट्रांसलोकेशन होता है CML में, तो इसमें जो क्रोमोजोम्स नंबर पे जो जीन था ABL जीन, वो मूव करके कहाँ चला जाता है, क्रोमोजोम्स नंबर 22 पे। जब वो क्रोमोजोम्स नंबर 22 पे चला जाता है तो वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, यानी कि क्रोमोजोम्स नंबर 22 पे BCR जीन और ABL जीन दोनों फ्यूज हो जाएंगे। जब दोनों फ्यूज हो जाते हैं उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जो टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी बहुत ज्यादा से बढ़ जाती है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो रेट ऑफ प्रोलीफरेशन ऑफ द माइलोड सेल इंक्रीज हो जाएगी। और उसकी वजह से क्या होता है, एपोप्टोसिस डिक्रीज हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है। तो एक तो माइलोड सेल का प्रोलीफरेशन बढ़ता है और एपोप्टोसिस जो हमारे कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करती है वो इनहिबिट हो रही है, ठीक है। इस टाइप के क्रोमोजोम्स को हम बोलते हैं फिडेल्फिया क्रोमोजोम्स। फिडेल्फिया एक जगह का नाम है अमेरिका अमेरिका में, जहां पे ये सबसे पहले फाइंड हुआ था, ठीक है। तो अगर आप PGI चंडीगढ़ में जाना चाहते हो तो आपको एक बात याद रखनी जरूरत है, फिडेल्फिया क्रोमोजोम्स और कहाँ कहाँ पे मिलता है। तो फिडेल्फिया क्रोमोजोम्स हमको CML में मिलता है, ये हमने अभी पढ़ा है। इसके अलावा ALL में मिलता है और इसके अलावा CNL में मिलता है। CNL की फुल फॉर्म है क्रोनिक न्यूट्रोफिलिक लुकीमिया, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। तो एक बात और याद रखने की बात है कि जो ये जो टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी थी, ये कौन से सेल पे जाके, कौन से सेल पे सबसे ज्यादा इफेक्ट देता है। तो याद रखना कि सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है इसका WBC पे, उसके बाद होता है इसका प्लेटलेट पे, और RBC पे इसका कोई टायरोसिन काइनेज का कोई इफेक्ट नहीं होता। अब और देखें हम इसके क्लिनिकल फीचर के बारे में। तो किस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा होता है, ये होता है मिडिल एज ग्रुप में होता है, यानी कि 40 to 60 ईयर में सबसे ज्यादा होता है। तो इसका जो पेशेंट होता है ये पता है हमें क्रोनिक टाइप का है, तो इसमें मोस्टली एसिम्टोमेटिक होता है और इसकी जो फाइंडिंग होती है वो इंसिडेंटल होती है। और इसमें जो पेशेंट आता है वो फटीक होता है, कंप्लेन लेके आता है फटीक की, फीवर की और वेट लॉस की। तो इसमें क्या होता है, जो हिमेटोपोइसिस होती है वो एक्स्ट्रा मेडुलरी होने लगती है। जब एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोइसिस होती है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, मैसिव स्प्लीनोमेगैली हो जाती है, हिपेटोमिगैली हो जाती है। और याद रखने की बात है लिम्फेडोनोपैथी, जो बाकी के कैंसर पड़े थे हमने ब्लड कैंसर, उसमें जो लिम्फेडोनोपैथी थी वो होती थी, लेकिन इसमें जो लिम्फेडोनोपैथी होती है वो रेयर होती है, ठीक है। और जैसे कि इसमें मैसिव स्प्लीनोमेगैली होती है, उस वजह से क्या होता है, जो उसको जब जो ग्रोथ करेगी स्प्लीन तो उसको ब्लड सप्लाई ज्यादा चाहिए, ब्लड सप्लाई चाहिए, लेकिन जो ब्लड सप्लाई वो तो लिमिटेड ही है, एक लिमिट तक है। उसकी वजह से क्या होता है, एब्डोमिनल फुलनेस हो जाता है, एब्डोमिनल फुलनेस की फीलिंग आती है, एब्डोमिनल पेन की फील वो कंप्लेन करता है पेशेंट, ठीक है। अब आते हैं इसके डायग्नोसिस वाले पार्ट पे। डायग्नोसिस वाले पार्ट में क्या करेंगे हम, सबसे पहले ब्लड एग्जामिनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम, इसमें ब्लड एग्जामिनेशन देखेंगे। तो इसका जो पेशेंट इसमें जो ब्लड एग्जामिनेशन में देखते हैं, जो इसमें TLC का लेवल आता है वो 1 लाख से ज़्यादा आता है और प्लेटलेट्स का लेवल भी बढ़ावा मिलता है। और इसमें हम DLC करते हैं, DLC में क्या क्या दिखता है हमको, इसिनोफीलिया दिखता है, बेसोफील का नंबर इंक्रीज दिखता है और माइलोड के प्रीकर्सर दिखते हैं, ठीक है। अब इसमें आते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस वाला पार्ट। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये क्या, जैसे जो ल्यूकोमेट रिएक्शन होती है और CML में हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये ल्यूकोमेट रिएक्शन है और ये CML है। तो एक एक एंजाइम होता है, उसका नाम है लैप, यानी कि ल्यूकोसाइट अल्कलाइन फॉस्फेटेज। तो जो CML होता है, CML में हमें पता है इमेच्योर सेल होती है, तो उसके अंदर जो इमेच्योर सेल के अंदर तो एंजाइम होगा नहीं,
तो उसकी उसकी वजह से क्या होता है, सीएमएल में लैप स्कोर कम मिलता है और ल्यूकोमाइड रिएक्शन में लैप स्कोर का लेवल इनक्रीज हुआ मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं बोन मैरो एग्जामिनेशन। बोन मैरो एग्जामिनेशन में हमको क्या दिखता है, बोन मैरो एग्जामिनेशन में हमको हाइपर सेलुलरिटी दिखती है और WBC एट डिफरेंट स्टेजेस प्लस ब्लास्ट सेल, ठीक है। और इसमें क्या 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 दिखता है हमको, जो रेटिकुलिन रेटिकुलिन फाइबर है उसका लेवल बढ़ा मिलेगा। और इसमें हमको क्या दिखता है, सुडोगोचर सेल दिखती है, ठीक है, सुडोगोचर सेल दिखती है हमको इसमें। और क्या सुडोगोचर सेल मेनली जो गोचर सेल है वो तो हमने पढ़ा था गोचर डिजीज में दिखती है, हमने बायोग्राम में पढ़ा था, लेकिन जो इसमें गोचर सेल होती है उसमें नो इंक्लूजन इन साइटोप्लाज्म होता है प्लस कोई आयरन की स्टेनिंग नहीं होती, नो आयरन स्टेनिंग डिटेक्ट होती है इसमें, ठीक है। अब और क्या दिखता है इसमें, जो सीएमएल में जो सीरम का B12 का लेवल होता है वो भी इंक्रीज हुआ मिलता है। और साइटोकेमिस्ट्री में हमने पहले ही देख चुके हैं हम, इसमें लैब स्कोर कम मिलता है। और कहाँ पे लैब स्कोर कम मिलता है, वो मिलता है PNH में, वो हमने RBC वाले में आगे हम पढ़ेंगे। और अब क्या करते हैं हम, डिटेक्शन ऑफ फिडेल्फिया क्रोमजोम्स को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, इसका जो कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस होती है वो होती है बाय द टेक्निक ऑफ फिस। फिस क्या है, फिस की फुल फॉर्म है फ्लोरोसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज अ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस टेक्निक। देखते हैं इसको कैसे करते हैं, समझिए इसको। मान लो जैसे क्रोमजोम्स नंबर 9 है और क्रोमजोम्स नंबर 22 है। मान लो जो क्रोमजोम्स नंबर 9 पे जीन होता है ABL जीन, उसको हमने डिनोट कर दिया रेड से, और जो क्रोमजोम्स नंबर 22 पे जीन होता है BCR जीन, उसको हमने डिनोट कर दिया ग्रीन से, ठीक है। तो जब आपस में जब फ्यूजन हो जाते हैं तो ये जो कलर है आपस में रेड और ग्रीन आपस पास पास आ जाएंगे, तो हम डिटेक्ट कर पाते हैं जो नॉर्मल नॉर्मल इंडिविजुअल होते हैं जैसे हम, उसमें क्या होता है जो कलर होते हैं वो दूर दूर मिलते हैं, जैसे ब्लू सॉरी जैसे रेड और ग्रीन दूर दूर मिलेंगे, लेकिन जो फिलाडेल्फिया क्रोमजोम्स होता है उसमें जो कलर मिलते हैं वो पास पास मिलेंगे क्योंकि फ्यूजन हो चुका उनका। और एक बात और याद, लास्ट में एक बात और याद रखने की है कि BCL जीन और ABR जीन फ्यूजन हम कैसे और किस चीज से डिटेक्ट कर सकते हैं, हम साउथर्न ब्लॉटिंग से भी, साउथर्न ब्लॉट से भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज हमने चारों टाइप के लुकीमिया को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी लुकीमिया देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे सभी टाइप के लुकीमिया मिल जाएंगे। थैंक यू।